आज का हमारा टॉपिक है लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। इसके पहले हमने देखा था लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। क्लोराइड के लिए हमने लिमिट टेस्ट किया था, अब हमें सल्फेट के लिए क्या करना है, लिमिट टेस्ट करना है। और हमने पहले वीडियो में ये भी देख चुके हैं कि लिमिट टेस्ट क्या होता है, किस लिए लिमिट टेस्ट करते हैं, कौन से इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है। वैसे तो डिफरेंट डिफरेंट लिमिट टेस्ट में डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है, कुछ में सिमिलरली यूज़ की जाती है इक्विपमेंट का। तो सबसे पहले आते हैं हम लिमिट टेस्ट के, जो लिमिट टेस्ट हम कर रहे हैं सल्फेट के लिए, उसके प्रिंसिपल को देखेंगे, उसके बाद उसके रिएक्शन को देखेंगे, उसके बाद इसके जो प्रोसीजर होते हैं कैसे कैसे इसमें फॉलो होते हैं, इस टेस्ट को करने के लिए क्या क्या हमें करना होता है, वन बाई वन देखना होगा। और उसके बाद हम देखेंगे इसमें ऑब्जर्वेशन क्या हो रही है, क्या ऑब्जर्व करेंगे, हमें पता चलेगा कि लिमिट टेस्ट पर सल्फेट सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, पास हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखिए प्रिंसिपल में क्या लिखा है, प्रिंसिपल में क्या कहता है लिमिट टेस्ट फॉर फॉर सल्फेट के लिए जो होती है। प्रिंसिपल जो है यहाँ पर कह रहा है कि लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन किस पर, K2SO4। K2SO4 को क्या बोलते हैं, पोटेशियम सल्फेट बोलते हैं। तो यहाँ पर K2SO4 लिख दिया गया है, यहाँ पर और लिखा गया है, और सोल्यूबल सल्फेट यानी कि इसी को उसका क्या गया, सोल्यूबल कर दिया, सोल्यूबलाइज मतलब सोल्यूबल फॉर्म में लिया गया है, सोल्यूशन फॉर्म में। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो लिमिट टेस्ट होती है ना सल्फेट की, वो किस पर बेस्ड करती है, किसके रिएक्शन पर बेस्ड करती है। तो एक तो यहाँ पर दिख रहा है कि K2SO4 किस किस के बीच, तो K2SO4 और यहाँ पर विथ BaCl2 बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड और K2SO4 के रिएक्शन पर क्या करती है, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट सल्फेट जो होती है बेस्ड करती है, उस पर आधारित होती है। इन्हीं दोनों के बीच के जो रिएक्शन होता है इसी पर आधारित होती है। और एक बात यह है कि ये जो दोनों का रिएक्शन होता है ना, ये किसके प्रेजेंस में होती है, इसमें कैटलिस्ट का क्या यूज किया जाता है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो टेस्ट होती है ना, ये जो लिमिट टेस्ट करते हैं, ये और ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, उसमें बीच में मेडिएटर का काम क्या करता है, कैटलिस्ट का काम क्या करता है, कौन करता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में इन दोनों का रिएक्शन कराया जाता है। जब ये रिएक्ट होता है ना, जब ये रिएक्शन करते हैं एक दूसरे से और ये HCl के प्रेजेंस में, तो क्या फॉर्मेशन होता है आखिर इसमें, ये जो लिमिट टेस्ट करती है इसमें फॉर्मेशन क्या होती है, बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है, बेरियम सल्फेट, यहां पर बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है BaSO4, जिसका फॉर्मूला होगा BaSO4। तो इसमें लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट में BaSO4 का फॉर्मेशन हुआ, जो क्या है, विच इज अपियर एज अ सॉलिड पार्टिकल, जो सॉलिड पार्टिकल की तरह क्या होती है, अपियर होती है। BaSO4 क्या होती है, सॉलिड पार्टिकल की तरह अपियर होती है। जो सॉल्यूशन होगा ना, जो लिमिट टेस्ट करेंगे जिस बीकर में या जिस इक्विपमेंट में करेंगे, जैसे नेचुरल सिलेंडर है उसमें देखेंगे तो पार्टिकल्स दिखेगा, जो टर्बिडिटी मतलब शो करती है, मतलब उसमें धुंधलापन दिखाई देगा, लगेगा कि कोई कुछ कुछ पार्टिकल्स इसमें मूव कर रहे हैं। तो वही मूव जो कर रहे हैं ना पार्टिकल, वही बेरियम सल्फेट होता है, जो इन दोनों के रिएक्शंस के बाद फॉर्मेशन होती है। इसमें देख लेते हैं कि इसके इसके बीच रिएक्शन कैसे होती है और फॉर्मेशन जो होती है बेरियम सल्फेट का कैसे होती है। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले रिएक्शन, तो इसमें हम ले लेते हैं K2SO4, एक तो ले लिया हमने K2SO4, यही तो बोल रहा है ना इसमें, इस प्रिंसिपल में K2SO4 और बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ हो रहा है ना, और अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि HCl के प्रेजेंस में हो रही है। हमने एक ले लिया K2SO4 जो यहाँ पर कह रहा है, दूसरा लिया हमने BaCl2, यहाँ पर Cl2 होगा, BaCl2 लिया जो कि यहाँ पर कह रहा है, और ये भी कह रहा है कि HCl के प्रेजेंस में कराना है, HCl के प्रेजेंस में हमने यहाँ पर HCl भी लिख दिया। अब इसमें क्या होती है कि ये जो K2 है ना, ये Cl2 के साथ मिलकर के HCl का फॉर्मेशन करती है, और ये BA जो होता है ना SO4 के साथ मिलकर के BaSO4 का फॉर्मेशन करती है। यही हमारा BaSO4 जिसे बेरियम सल्फेट बोलते हैं, यही सॉलिड पार्टिकल्स का फॉर्मेशन, मतलब सॉलिड पार्टिकल की तरह इसमें फॉर्म होती है, जो टर्बिडिटी को शो करती है, जो टर्बिडिटी बनाती है। और यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर K2 और यहाँ पर Cl2, तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा 2KCl। अब इसका ये करते हैं, इसमें जो होती है ना लेबलिंग का भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेबलिंग करना चाहिए जब भी रिएक्शन कर रहे हो, तो यहाँ पर लेबलिंग कर दें। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट, ये हो जाएगा हमारा पोटेशियम सल्फेट, ये हो जाएगा बेरियम क्लोराइड,
ये बैरियम क्लोराइड और ये हो जाएगा बैरियम सल्फेट। इससे एग्जामिनर जो होता है ना प्रभावित होता है, बैरियम सल्फेट। ये हो गया पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये BS4 KCl, ये रिएक्शन हमने देख लिया। अब बारी है इसमें किसकी, प्रोसीजर की। क्या प्रोसीजर इसमें फॉलो हो रहे हैं, क्या क्या ले रहे हैं, पहले क्या ले रहे हैं, बाद में क्या ले रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रोसीजर। प्रोसीजर में एक हमने क्या किया, स्टैंडर्ड प्रोसीजर करेंगे, एक हम क्या करेंगे, टेस्ट प्रोसीजर करेंगे। किसी भी चीज का एक स्टैंडर्ड होता है ना, स्टैंडर्ड से क्या करते हैं हम टेस्ट का कंपेयर करते हैं। कोई भी चीज होता है एक स्टैंडर्ड होती है, उसी स्टैंडर्ड से क्या करते हैं हम टेस्ट का कंपेयर करते हैं कि हाँ ये स्टैंडर्ड के जैसा है या स्टैंडर्ड से खराब है या स्टैंडर्ड से अच्छा बन गया है। तो वो एक स्टैंडर्ड एक सैंपल लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं प्रोसीजर को। जैसे कि फर्स्ट क्या होगा, यहाँ पर स्टैंडर्ड हम लिए हुए हैं, एक हमने क्या किया सिलेंडर लिया। कैसा सिलेंडर, नेस्लर सिलेंडर लिया हमने, नेस्लर सिलेंडर लिया। यहाँ पर एक ले लेते हैं, ये हम यहाँ पर बना लेते हैं छोटा सा, ऐसे दिखता है। यहाँ पर दो ही मार्क होती है, एक यहाँ पर बना लेते हैं, ये बोट, ये जो होती है ना इक्विपमेंट, ये क्लीन होती है, ये नेशनल सिलेंडर है। इसमें करते क्या है कि सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है स्टैंडर्ड में, सबसे पहले कह रहा है कि स्टैंडर्ड अगर ले रहे हैं तो हम कितना लेंगे, टेक 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। दिख रहा है छोटा 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 हो जा रहा है, सॉल्यूशन ऑफ सल्फेट बोल दें, या ऐसे लिख सकते हैं K2SO4। K2SO4 का जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है ना, K2SO4 का जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, उसमें से क्या करें हमने 1 ml लिया और उसको क्या किया, डायरेक्ट ट्रांसफर इनटू द नेस्लर सिलेंडर। ठीक है, हमने क्या किया 1 ml लिया, K2SO4 के सॉल्यूशन में से 1 ml लिया और इसमें क्या किया हमने, डाल दिया 1 ml लेकर के इसमें डाल दिया। टेस्ट में क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट इसमें कह रहे कि टेक स्पेसिफिक वेट ऑफ सैंपल। इसमें क्या करते हैं टेस्ट में कि हम एक जो हम सैंपल ले रहे हैं टेस्ट करने के लिए, उस सैंपल को क्या करते हैं कि स्पेसिफिक वेट करते हैं, उस स्पेसिफिक वेट को क्या करते हैं हम डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं, डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं, डायरेक्ट ट्रांसफर इनटू द, कहां पर ट्रांसफर करते हैं, ये जो सिलेंडर दिख रहा है ना इसी में ट्रांसफर करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं नेस्लर सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमने फॉलो किया, सबसे पहले क्या किया लैब में गए हम, लैब में गए उसमें से क्या किया हमने, उसमें क्या किया लैब में कि K2SO4 के सॉल्यूशन को लिया और 1 ml लिया, उसमें क्या किया कि जो नेस्लर सिलेंडर लिया है हमने उसमें क्या किया, डाल दिया। अब हम क्या किए, एक जो सैंपल है उसका हमने वेट किया, जिस सैंपल का यूज कर रहे हैं किसके लिए, टेस्ट के लिए, उस सैंपल को लेते हैं, 1 ग्राम वेट करते हैं और उसमें डाल देते हैं। ये जो सिलेंडर दिख रहा है इसमें क्या करते हैं, डाल देते हैं। दूसरा प्रोसीजर में क्या कह रहा है, दूसरा दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, किसके प्रेजेंस में ये होती है, HCl के प्रेजेंस में होती है ना, तो इसमें क्या करते हैं ऐड करते हैं, ऐड 2 ml ऑफ HCl सॉल्यूशन। ठीक है, जो HCl सॉल्यूशन है ना उसमें से क्या करते हैं हम 2 ml लेकर के इसमें डालते हैं, इसमें 1 ml ये लिए, 2 ml HCl लिए, इसमें डाल दिए। दूसरा दूसरा जो प्रोसीजर है इसमें टेस्ट के लिए सेम प्रोसीजर होगा आगे की तरह, एड 2 ml ऑफ
HCl सॉल्यूशन, जो HCl है ना उसको इसमें भी क्या किया हम 2 ml लिए, इसमें भी 2 ml लिए, स्टैंडर्ड में भी 2 ml ले रहे हैं, टेस्ट में भी 2 ml ले रहे हैं। तीसरा प्रोसीजर क्या कहता है, तीसरे नंबर पर ये कह रहा है कि इसे डाइल्यूट कर देते हैं, डाइल्यूट 245 ml विथ डिस्टिल वाटर। जो डिस्टिल वाटर होती है ना उसके थ्रू क्या करते हैं, हम डाइल्यूट कर देते हैं इसे। सेम प्रोसीजर इसमें भी फॉलो होगा, डाइल्यूट 245 ml विथ डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, तीसरे नंबर में क्या किया हमने कि एक डिस्टिल वाटर लिया, डिस्टिल वाटर का मतलब डिस्टिल वाटर को लिया और इसमें क्या किया हमने डाल करके 45 ml, ये जो मार्क दिख रहा है ना ये 50 ml का है, इससे थोड़ा सा नीचे 45 ml होगा। तो 45 ml का क्या किया हमने, 45 ml तक क्या किया वाटर से इसे मेकअप कर दिया वॉल्यूम को, इसके वॉल्यूम को 45 ml तक मेकअप कर दिया, टेस्ट को भी स्टैंडर्ड को भी, क्योंकि आगे का प्रोसीजर सेम दिख रहा है, सिर्फ इसमें किस चीज का अंतर है, सैंपल का, इसमें कुछ और ले रहे हैं इसमें कुछ और ले रहे हैं, बाकी सारे जो प्रोसीजर है ना सेम है। तो आगे हमने क्या किया, इसमें 45 ml जो है मेकअप कर दिया। जो अगला पॉइंट है फोर्थ नंबर, इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे 5 ml ऑफ, इसमें अगला में क्या करेंगे किस चीज को ऐड करेंगे, 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट। बेरियम सल्फेट रिएजेंट को क्या करेंगे, एक बेरियम सल्फेट रिएजेंट होगा, बेरियम सल्फेट रिएजेंट का प्रिपरेशन करना होगा। इसका प्रिपरेशन करने के बाद उस प्रिपरेशन में से क्या करते हैं, 5 ml लेते हैं और इस नेस्लर सिलेंडर में क्या करते हैं डाल देते हैं। टोटल हमारा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 50 ml तक हो गया ना, तो टोटल हमारा वॉल्यूम 50 ml हो जाएगा। सेम प्रोसीजर इसमें भी फॉलो होगा, इसमें भी क्या करेंगे, एड 5 ml, 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट सोल्यूशन, बेरियम जो सल्फेट है ना उसका रिएजेंट लेंगे, बेरियम सल्फेट रिएजेंट। ठीक है, इसमें 5 ml लिए, ये सिलेंडर जो दिख रहा है ना इसमें भी 5 ml लिए बेरियम सल्फेट, इसमें भी 5 ml लिए बेरियम सल्फेट, दोनों में सेम चीज क्या करते हैं डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। ठीक है, अगला जो प्रोसीजर है इसमें अब क्या करते हैं, कीप असाइड फॉर 5 मिनट्स, कीप असाइड फॉर 5 मिनट, इसमें भी क्या करते हैं 5 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं, कीप असाइड फॉर 5 मिनट। ठीक है, इसको भी 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, स्टैंडर्ड को भी 5 मिनट के लिए छोड़ते हैं, टेस्ट को भी 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, दोनों को 5-5 मिनट के लिए हम क्या करते हैं रख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम ऑब्जर्व करेंगे, लास्ट पॉइंट है हमारा ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व टर्बिडिटी। इधर भी क्या होगा, ऑब्जर्व टर्बिडिटी। ठीक है, लास्ट पॉइंट यहां पर खत्म होगा प्रोसीजर का, प्रोसीजर सारे फॉलो हो गए। सबसे पहले सैंपल लिया, उसमें HCl 2 ml डाला, 1 ml सैंपल लिया, 2 ml HCl लिया, 5 उसको क्या किया वाटर से क्या किया 45 ml वॉल्यूम को मेकअप किया, उसमें बेरियम सल्फेट 5 ml लिया, तो पूरा पहुंच गया मेरा कितना 50 ml तक, 50 ml तक पहुंच गया। उसके बाद क्या किया हमने, कीप असाइड फॉर 5 मिनट, 5 मिनट के लिए उसे एक सेपरेट स्थान पर हमने क्या किया उसे रख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, 5 मिनट को रखने के बाद उसमें से देखते हैं कि टर्बिडिटी दोनों की कैसी है, उस क्यों देखते हैं, कंपेयर करने के लिए कि स्टैंडर्ड से कम है कि स्टैंडर्ड से ज्यादा है। हमारा ऑब्जर्वेशन में देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन इसका क्या होगा, मतलब टर्बिडिटी ज्यादा रहेगी तो क्या होगा, कम रहेगी तो क्या होगा, आखिर हमारा लिमिट टेस्ट फेल होगा पास होगा, ये किस बेसिस पर कहेंगे इसको देख लेते हैं। इसके लिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, इसको हम रफ करेंगे। तो अब हम इसके टर्बिडिटी को, इसके ऑब्जर्वेशन को देख लेते हैं टर्बिडिटी के थ्रू।
जो हमारा यहाँ पर टर्बिडिटी आएगी उसके थ्रू हम देखेंगे कि हमारा लिमिट टेस्ट पास हुआ या फेल हुआ। कैसे? तो यहाँ पर कहेंगे टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट सैंपल लेस देन स्टैंडर्ड। तब क्या होगा हमारा, कह रहे कि जो टर्बिडिटी है ना टेस्ट सैंपल की, ये जो हमारा टेस्ट सैंपल है ना इसकी टर्बिडिटी क्या होगी, अगर कम होगी स्टैंडर्ड से तो हमारा लिमिट टेस्ट क्या होगा, पास हो जाएगा, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी कम है, उसमें सल्फेट की मात्रा कम है, जितनी हमें मतलब रहे जितना काम चल जाए उससे क्या है कम है, मतलब काम चला देगा, ये पास है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा लिमिट टेस्ट जो होगा हमारा लिमिट टेस्ट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। लेकिन अगर टर्बिडिटी जो थी ना, फर्स्ट पॉइंट यहां पर है, यहां पर कह रहा है कि अगर टर्बिडिटी जो है टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट सैंपल ग्रेटर देन स्टैंडर्ड, अगर हमारा जो टेस्ट सैंपल है ना इसकी टर्बिडिटी अगर क्या हो गई इस स्टैंडर्ड से अगर ज्यादा हो गई, इसका मतलब क्या, उसमें सल्फेट बहुत ज्यादा मात्रा में है, ये जो सल्फेट है ना बहुत ज्यादा मात्रा में है, जिससे हमें पता चलता है कि लिमिट टेस्ट जो हमारी फेल हो गई, इसमें सल्फेट की मात्रा ज्यादा है जो हमारे लिए हार्मफुल है, जो सुटेबल नहीं है हमारे लिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा लिमिट टेस्ट जो यहां पर टेस्ट लिख लीजिएगा टेस्ट पास, यहां पर लिमिट टेस्ट क्या हो जाएगी हमारी फेल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन हुआ। और इसमें जो HCl का यूज कर रहे हैं इसके बारे में अगर पूछते क्यों यूज कर रहे हैं, तो HCl का इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि ये हमें क्या करता है एसिडिक मीडियम को प्रोवाइड करता है, एसिडिक मीडियम के साथ साथ ये रिएक्शन को भी फास्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट जो हुआ फाइनली खत्म हुआ। अब आगे देखेंगे हम लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, जो कि एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन इससे आते ही हैं, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। आर्सेनिक स्ट्रक्चर के साथ ही पूछता है, कभी 10 नंबर में आता है, कभी 7 नंबर में पूछ लेता है, तो उसे देखेंगे अगले वीडियो में। इससे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं।